गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द कंडीशंस ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। आज से प्रतिदिन, मैं आपको बताऊं, कल 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर डे सेलिब्रेट किया गया। क्या डे सेलिब्रेट किया गया? विश्व कंप्यूटर दिवस, जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर दिवस। और आज से हम आपको एक छोटे मोटे 2-4 मिनट के वीडियो पर डे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस में देते रहेंगे, और आप उसको अच्छे से देखें। अगर उसमें कोई कमी आती है, कोई त्रुटि आती है, या उनमें आपके नॉलेज से जुड़ी कोई चीज़ आपको समझ में आती है, तो उसे ज़रूर आप एक्सेप्ट करें। आप अपनी चीज़ों को क्लियर करते रहें, स्पष्ट करते रहें, जिसमें आने वाले समय में आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर का युग है हमारा। किसका युग है? हमारा कंप्यूटर का युग है। अगर कंप्यूटर नॉलेज हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी अध्ययन अगर हम करते हैं, कोई भी स्टडी सर्किल हम अपनाते हैं, देन वी वेरीफाई ओनली कंप्यूटर नॉलेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम थोड़े से पर्सनलाइज कंडीशन में। मात्र 2-3 मिनट के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर होता क्या है, अभी मैं आज आपको केवल कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, ठीक उसी के छोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। एंड उसके बारे में विस्तार से मैं अगले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो, अब आपको पर डे एक नए नए वीडियो के साथ में, मैंने कंप्यूटर साक्षरता अभियान, कंप्यूटर दिवस के रूप में ये वीडियोज और कंप्यूटर क्लास के लिए मैंने डालना शुरू किया। सो मैं स्टार्ट करता हूं और बताता हूं आपको कंप्यूटर क्या है। देखते हैं आप, मैंने लिखा है कंप्यूटर, क्या लिखा है? कंप्यूटर, अगर हम समझें इसको हिंदी में, अगर हम हिंदी की बात करें, बिकॉज हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, हमें हिंदी जानना भी ज़रूरी होता है। हिंदी में इसी कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। यानी किसी चीज़ को जब हम कैलकुलेट करते थे, आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे पास जब कंप्यूटर डिवाइस नहीं थी, तो हम उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, किसी गणना करने के लिए चीज़ों को एक के बाद एक नंबर सिस्टम को अपनाते थे, स्वयं गणना करते थे, जिसमें टाइम लगता था। लेकिन जब हमारे पास कंप्यूटर आया, तो हमने अपने कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत फास्ट कर लिया। हमारे कंप्यूटर की स्थिति में आप जानते हैं, कोई भी कैलकुलेशन है मिनट में, सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। आइए देखते हैं व्हाट्स अ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, लिखा है व्हाट्स कंप्यूटर या व्हाट इज कंप्यूटर। आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी है, बहुत सारे चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिलती भी रहती हैं, आप देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में, जिसमें सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल मिलती है। लेकिन कुछ डिफरेंट आप चाहिए, आपके लिए कुछ अलग चीज़ें आपको जब मिलेंगी, तब आप उसको चूज करते हैं। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है हमारा कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है, विच इज कैपेबल, कैपेबल मतलब योग्य होता है, जिसके अंदर एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी उपयोगिता के लिए बनाया जाता है इसको, जिसमें रिसीविंग डेटा, बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं जानते हैं कि डेटा, व्हाट्स अ डेटा, कंप्यूटर में सबसे बड़ी चीज़ होती है डेटा। रिसीविंग मतलब प्राप्त करना, कंप्यूटर उस क्षमतावान भूमिका में बनाया जाता है जो किसी भी डेटा, डेटा को हिंदी में आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़ा। यानी जो चीज़ आप कंप्यूटर में लिख कर भेजते हो, कोई चीज़ आप उसमें इनपुट करते हो, देन आपका वो आउटपुट देता है, वो आपका डेटा होता है। और वो डेटा परफॉर्मिंग ये सीक्वेंस ऑपरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है कंप्यूटर की, कि कोई भी डेटा आप अगर आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हल करके आपको आउटपुट देता है। तो ये परिभाषा हुई। अगर हम यही कहते हैं इट्स अ ओनली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो हमारा आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिसीविंग डेटा परफॉर्मिंग एक सीक्वेंस ऑपरेशन होता है, अंडरस्टैंड। आइए दूसरा टॉपिक हम उठाते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या उठाते हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हैज 3 टाइप्स टू गिवन बिलो, हमने लिख दिया है 3 टाइप्स टू गिवन बिलो। अभी इसके मेनी ब्रॉडकास्टिंग कंडीशंस हैं जो हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताते भी चलेंगे। पहला कंप्यूटर का पार्ट्स होता है एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर। सॉरी, ये पार्ट्स नहीं है, टाइप्स है। पार्ट्स में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में टाइप्स को जानना जरूरी है। पहला कंप्यूटर आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसकी विस्तृत जानकारी मैं अपने कंटिन्यूस वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा, आप उसको देखते रहिए। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर की कंडीशन क्या होती है? एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड मोस्टली इन मेडिकल साइंस। मैंने सामान्य तौर पर इसकी डेफिनेशन मैंने कहा आपको बता दें आज। इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया कि केवल ये ज़्यादा से ज़्यादा एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज किया जाता है? मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है। आइए सेकेंड पॉइंट हम उठाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। आज तो डिजिटल की कंडीशन है, एवरी थिंग्स आप पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, ऑल थिंग्स क्या है? डिजिटली है, सब कुछ आपके लिए डिजिटल है। और डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम आज के इस एनवायरनमेंट में, इस संसारित पूरे जीवन में हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज ही करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। एवरी थिंग्स आपका पार्ट्स जो हो गया वो डिजिटलाइज हो गया है। और थर्ड कंप्यूटर जो हमारा आता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। क्या आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। द काइंड्स ऑफ कंप्यूटर कम्स विथ बोथ करेक्टर एनालॉग एंड डिजिटल। कहते हैं दोनों करेक्टर इसमें शामिल किए जाते हैं, जो क्या होता है आपका एनालॉग कंडीशन भी बता देता है और डिजिटलाइज कंडीशन भी बता देता है। तो ये मैंने अभी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको बताई हैं। अपने नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन तीनों कंप्यूटर के एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उसकी भूमिका बताऊंगा, उसके विस्तार बताऊंगा, एंड अ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। सो वेल, थैंक्स, गुड मॉर्निंग।